गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज मनीषा योर मैथ टीचर। आई विल टीच यू मैथ चैप्टर 4 मल्टीप्लीकेशन। लेट अस नो व्हाट इज मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन इज रिपीटेड एडिशन। मल्टीप्लीकेशन क्या है? रिपीटेड एडिशन है। दिस इज द साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। लेट अस नो व्हाट इज प्रोडक्ट। आंसर ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। मल्टीप्लीकेशन के आंसर को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। सो हाउ मल्टीप्लीकेशन इज रिपीटेड एडिशन, लेट अस नो थ्रू एन एग्जांपल। मल्टीप्लीकेशन रिपीटेड एडिशन कैसे है, उसे हम एक एग्जांपल द्वारा समझेंगे। देयर आर थ्री ग्रुप्स ऑफ फाइव मैंगो। यहाँ फाइव मैंगो का तीन ग्रुप है। अभी फिर हम सबसे पहले रिपीटेड एडिशन द्वारा सॉल्व करेंगे। थ्री ग्रुप ऑफ फाइव मैंगोज इज इक्वल टू फाइव प्लस फाइव इज इक्वल टू 15 मैंगोज। ये हमारा क्या है? रिपीटेड एडिशन द्वारा हम क्या किए हैं, इसको इसे सॉल्व किए हैं। अब हम इसे दोबारा डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन द्वारा सॉल्व करेंगे। थ्री ग्रुप्स ऑफ फाइव मैंगोज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5। यहाँ हम डायरेक्ट क्या किए हैं, 3 ग्रुप जो है उसको 5 मैंगो से मल्टीप्लाई करके कर दिए हैं। तो हमारा आंसर क्या है? 15 मैंगो। दोनों में हमारा आंसर क्या है? सेम है। एक डायरेक्टेड एडिशन द्वारा हमने सॉल्व किया और एक डायरेक्ट हमने मल्टीप्लीकेशन द्वारा सॉल्व किया है। डेट्स इट।